Hello everybody, you are welcome to my channel Learn English with Cherry once again. आज आप मेरे साथ सीखेंगे रोज बोले जाने वाली इंग्लिश, ऐसी इंग्लिश जो कि टीवी देखते हुए, मोबाइल पे काम करते हुए या कुछ ऐसे जो मोबाइल से रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड है, आप सीखेंगे आज के इस वीडियो लेसन में. So let's get started with this. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें, और अगर आपको मेरे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो बेल आइकन जरूर क्लिक करें. So let's get started with this. अब जैसे सबसे पहले कई बार हम बोलते हैं ही इज ऑन द टीवी शो, तो इसमें ऑन आएगा या इन आएगा. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीवी की बात कर रहे हैं देन ऑन यूज करेंगे या इन यूज करेंगे. तो मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूं कि जो ऑन द टीवी शो है और इन द टीवी शो है, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो अमेरिकन इंग्लिश में ऑन द टीवी शो बोला जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इन द टीवी शो बोला जाता है. क्योंकि हम ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं तो आप लोग जब लिखने की बारी आती है तो हम इन द टीवी शो यूज करेंगे, और अगर सिंपल टीवी की बात हो रही है तो आप ऑन टीवी भी बोल सकते हैं. तो जो एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे है कि टीवी में क्या आ रहा है तो हम कहते हैं व्हाट्स ऑन टीवी, व्हाट्स ऑन टीवी. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि टीवी चला दो, स्विच ऑन द टीवी, अब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने द वर्ड को यूज नहीं किया है लेकिन यहाँ पे किया है, तो उसका क्या रीजन क्या है वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ. कि जैसे जो टीवी है उसको दो तरह से यूज किया जाता है. एक तो टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है, उसको हम टीवी कहते हैं. जैसे बंद पड़ा तब भी वो टीवी है, लेकिन जब वो चल रहा है, उसके अंदर कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई आपका शो आ रहा है, तब भी हम कहते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं. एक्चुअली में हम शो देख रहे होते हैं लेकिन हम कहते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं. तो टीवी वर्ड को हम दो तरह से यूज करते हैं. तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें सेम वही केस है कि What's on TV means TV पे क्या आ रहा है, हम शो की बात कर रहे हैं. In that case हम the use नहीं करेंगे. तो अब यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड केस है उसमें है कि टीवी बंद कर दो, टीवी को बंद करना है, स्विच ऑफ द टीवी, सिंपल. और कई बार हम कहते हैं कि चैनल मत बदलो, डोंट चेंज द चैनल, डोंट चेंज द चैनल. और जैसे हम कहते हैं कि टीवी को थोड़ा दूर से देखो, वॉच टीवी फ्रॉम लिटिल फार, वॉच टीवी फ्रॉम लिटिल फार. जब वॉच कह रहे हैं टीवी देख रहे हैं, इट मीन्स हम शो देख रहे हैं, अगेन वॉच द टीवी नहीं कहेंगे. तो यहाँ पे कुछ और ऐसे सेंटेंसेस हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए. लास्ट में मैंने एक क्विज दिया है आपको, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है और आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे, और मैं होप करती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और क्विज का आंसर जरूर देंगे. तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस जो है, मैं टीवी देखकर उकता गया हूँ. जैसे हम कहते हैं कि हम फेड अप हो गए हैं, आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, या फिर आप कह सकते आई एम फेड अप ऑफ वॉचिंग टीवी. तो एक और है, जैसे हम कहते हैं कि वो एक घंटे से टीवी देख रहा है. जैसे अक्सर बच्चे होते हैं, हम कहते हैं एक घंटे से टीवी देख रहे हो, तो एक घंटे से देख रहे हैं, तो एक घंटा जो है उसके लिए हम वहां पे यूज करेंगे हैज बिन वॉचिंग. ठीक है, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, और एक घंटे से तो फॉर वन आवर, फॉर एन आवर भी बोल सकते हैं, फॉर वन आवर. तो अब टीवी देखने का समय खत्म हो गया, इसको कैसे कहेंगे, इट इज टाइम टू स्टॉप वॉचिंग टीवी, इट इज टाइम टू स्टॉप वॉचिंग टीवी. अब जैसे हमने किसी बच्चे, जैसे हमारा बच्चा है, हमने टीवी बंद करना है, तब हम कहते हैं इट इज टाइम टू स्टॉप वॉचिंग टीवी. और जैसे अब बच्चे को या किसी को भी हम कहते हैं कि टीवी को ऊंचा कर दो, धीरे कर दो, तो उस टाइम हम जो कह रहे हैं कि जो वो मशीन है उसकी आवाज को ऊंचा कर दो या कम कर दो, राइट. तो इन दैट केस वी विल यूज दिस टर्न अप और टर्न डाउन. टर्न अप मीन्स आवाज को ऊंचा करना, टर्न डाउन मीन्स आवाज को धीरे करना. टर्न अप द टीवी और टर्न डाउन द टीवी, हम सिंपल इतना भी बोल सकते हैं टर्न डाउन द वॉल्यूम एंड सो ऑन, सिंपली वो समझ आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं. और इसी तरह से नेक्स्ट है कुछ मोबाइल से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं.
ये हम अक्सर ही बोलते हैं कि मुझे मेरा मोबाइल चार्ज करना है. आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल. आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल. और कई बार मोबाइल को चार्ज नहीं, रिचार्ज करना होता है. रिचार्ज मीन्स जैसे कि आपने आप उसके अंदर टॉप अप प्लान्स लेते हो बात करने के लिए या डेटा प्लान्स किसी भी तरह से, तो उस केस में हम कहते हैं आई नीड टू रिचार्ज माई मोबाइल. आई नीड टू रिचार्ज माई मोबाइल. और इसी तरह से जैसे कई बार फोन घूम जाता है तो मैं कहता हूँ मैं अपना मोबाइल फोन ढूंढ रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल फोन. आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल. तो किसी से आपने फ़ोन नंबर मांगना है, मोबाइल नंबर मांगना है, कृपया अपना मोबाइल नंबर बताएं. तो उसको अगर थोड़ा सा आप पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो आप ऑफिस में हैं तो किस तरह से बात करेंगे. कुड यू प्लीज़ टेल मी योर मोबाइल नंबर. कुड यू प्लीज़ टेल मी योर मोबाइल नंबर. ये प्लीज़ शायद मैंने दोबारा लिख दिया, वंस काफ़ी होगा. और नेक्स्ट है कि जैसे हम कहते हैं कि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो, मींस चार्ज करने के लिए लगा दो. पुट माय फोन ऑन चार्जिंग. पुट माय फोन ऑन चार्जिंग. तो यहाँ पे कुछ डेली के सेंटेंसेस हैं, ये मिक्स हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड नहीं है. आप इनको भी अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि इसे नीचे रखो और मेरी बात सुनो. अब जैसे ये कुछ भी हो सकता है, फ़ोन भी हो सकता है या कुछ भी. पुट इट डाउन एंड लिसन टू मी. पुट इट डाउन एंड लिसन टू मी. अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होते. डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स. Don't get upset. Upset means दुखी नहीं होते, नाराज नहीं होते छोटी छोटी बातों पे, means over little things. और इसी तरह से जैसे एक बार फिर से फ़ोन की बात आ गई है. आमतौर पर लोग जो हैं वो या तो फ़ोन में घुसे रहते हैं और जो बच्चे हैं वो टीवी में घुसे रहते हैं. तो वो फिज़िकली तो नहीं घुसते, तो उसके लिए वो जो वर्ड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ engrossed. He is engrossed with his फ़ोन. मीन्स वो अपने फ़ोन में बहुत मगन है, बहुत बिजी है. तो उसको हम जनरल इनफॉर्मली कह देते हैं कि वो फ़ोन में घुसा हुआ है. ही इज़ engrossed विद हिज फ़ोन. इसी तरह से टीवी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं. मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ. आई विश, मैं चाहता हूँ वेल फॉर यू. वेल मीन्स भला, फॉर यू. एंड नेक्स्ट है आखिरकार सच सामने आ ही गया. एट लास्ट द ट्रूथ हैज़ कम आउट. एट लास्ट, आखिरकार. कई बार हम बहुत सारे सेंटेंसेस के आगे ये आखिरकार वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप एट लास्ट जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं. उसके साथ ही है कि छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते. डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स. अब कई बार हमें गुस्सा आया होता है तो किसी पे हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो. मीन्स जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस चीज़ को लेके, ये बिल्कुल वही सेंटेंस है. तो हम कहते हैं यू शुड अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. यू शुड अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. कि तुम्हें कोई अपनी जो आप कर रहे हो उस पर शर्म नहीं आती, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो. तो नेक्स्ट जो है, अब किसी को हम ऐसे भी कहते हैं कि घुमा फिरा के बात मत करो. सिंपली इतना भी कह सकते हैं बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर एक इसके लिए आप इडियम भी यूज कर सकते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश. डोंट बीट अबाउट द बुश. बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब यहां पे नेक्स्ट है तुमने मुझे अंधेरे में रखा. यू कैप्ट मी इन द डार्क. यू कैप्ट मी इन द डार्क. देख मुझे गुस्सा मत दिला. सी डोंट मेक मी एंग्री. सी डोंट मेक मी एंग्री. तो ये है आज का हमारा क्विज. आपको बताना है कि जैसे हम कहते हैं टीवी से दूर बैठो, टीवी से अगर दूर बैठो कहते हैं तो इन दोनों में से क्या आएगा, सिट अवे फ्रॉम द टीवी और सिट अवे फ्रॉम टीवी. मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे आप अभी टीवी को एज अ डिवाइस, एज अ मशीन ले रहे हैं, एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले रहे हैं. तो उसके साथ द आएगा या नहीं आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया है इस चीज़ को. तो प्लीज़ आंसर ज़रूर करें.
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो के सारे सेंटेंसेस चाहते हैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में या रिटन फॉर्मेट में, जिसको आप कह सकते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।